जो सीमाएं हैं हमारी, वो सीमाएं क्यों सिकुड़ रही हैं? एक समय था जब रिजांगला की मेमोरियल को लेकर के हमें गर्व होता था कि हमारी फौज आखिरी गोली और आखिरी सोल्जर्स लड़ाई लड़ी जिसने वो जमीन बचाई, वो हमारा रिजांगला भी छिन गया है। जहां हम त्योहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वहीं हमें ये भी चिंता करनी है कि हमारा सीमाओं पर असुरक्षा बढ़ी है। ये तो आप बेहतर आकलन कर सकते हैं, लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। जनता जिस तरीके से देख रही है कि जो हमारा देश दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए था, आज हमारे देश की स्थिति क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, डॉलर के तुलना में रुपया कहाँ खड़ा है, दुनिया में कितना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, या बेरोजगारी स्तर क्या है हमारा, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था क्या है, प्रेस को कितनी आजादी है, गरीबी के सूचकांक में हम कहाँ खड़े हैं, हेल्थ के पैरामीटर्स में हम कहाँ खड़े हैं, इन सभी सवालों पे इस बार जनता वोट डालने जा रही है। मेरे पत्रकार साथी, हर चुनाव इंटरेस्टिंग होता है, और जिस क्षेत्र के बारे में आप बोल रहे हैं मैनपुरी, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये वही मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले खुद ही सपा को लाखों वोट से जिता रहे थे। और हम तो एक सच्चाई जानते हैं, जो मंत्री होता है उसे सांसद के रूप में दिल नहीं लगता है। पता नहीं बीजेपी के लोगों ने क्यों उनको दिल का तोड़ने का काम किया है, और हो सकता है वो उन्हें इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा हो कि बाद में कुछ और बड़ा पद मिले उन्हें। जो सीमाएं हैं हमारी, वो सीमाएं क्यों सिकुड़ रही हैं? एक समय था जब रिजांगला की मेमोरियल को लेकर के हमें गर्व होता था कि हमारी फौज आखिरी गोली और आखिरी सोल्जर्स लड़ाई लड़ी जिसने वो जमीन बचाई, वो हमारा रिजांगला भी छिन गया है। जहां हम त्योहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वहीं हमें ये भी चिंता करनी है कि हमारा सीमाओं पर असुरक्षा बढ़ी है। ये तो आप बेहतर आकलन कर सकते हैं, लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। जनता जिस तरीके से देख रही है कि जो हमारा देश दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए था, आज हमारे देश की स्थिति क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, डॉलर के तुलना में रुपया कहाँ खड़ा है, दुनिया में कितना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, या बेरोजगारी स्तर क्या है हमारा, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था क्या है, प्रेस को कितनी आजादी है, गरीबी के सूचकांक में हम कहाँ खड़े हैं, हेल्थ के पैरामीटर्स में हम कहाँ खड़े हैं, इन सभी सवालों पे इस बार जनता वोट डालने जा रही है। मेरे पत्रकार साथी, हर चुनाव इंटरेस्टिंग होता है, और जिस क्षेत्र के बारे में आप बोल रहे हैं मैनपुरी, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये वही मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले खुद ही सपा को लाखों वोट से जिता रहे थे। और हम तो एक सच्चाई जानते हैं, जो मंत्री होता है उसे सांसद के रूप में दिल नहीं लगता है। पता नहीं बीजेपी के लोगों ने क्यों उनको दिल का तोड़ने का काम किया है, और हो सकता है वो उन्हें इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा हो कि बाद में कुछ और बड़ा पद मिले उन्हें।